वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था 31 मई को कि आज हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो कुछ वीडियो क्लिप्स तो 31 मई की हैं और कुछ हैं ये पिछले साल की जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और इससे पहले जो वुमेन विंग्स चैनल था उस पर ये पूरी प्रॉपर वीडियो थी, लेकिन चैनल नहीं रहा, ये तो दोबारा रीस्टार्ट है। तो कुछ क्लिप्स पूजा के पास थी तो उससे हम लिए व्हाट्सएप के थ्रू और आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं। तो एंजॉय करिए आप लोग ये क्लिप। और ये हमारी मौसी हैं और आगे आपको देखने को मिलते रहेगा, मौसी हैं, मामी हैं, बच्चे हैं, सब लोग थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत मेमोरेबल था ये एनिवर्सरी मम्मी पापा का, क्योंकि इसमें सारी रस्में हुई थी। मेहंदी हुआ था, संगीत हुआ था, हल्दी हुआ था और जयमाल हुआ था, सब कुछ हुआ था। और बिल्कुल कुछ भी प्लान नहीं था, बस एक एक दिन करके सब कुछ होते गया और इतनी खूबसूरत यादगार बन गई ये एनिवर्सरी की। आज भी ये क्लिप देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो इन्जॉय करिए आप लोग भी। हम लोगों ने तो तब भी इन्जॉय किया था और दोबारा से इस क्लिप्स को देख रहे हैं तो फिर से इन्जॉय करेंगे, तो आप लोग भी इन्जॉय करिए। और कहते हैं ना कि जब आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ हो, तो हर छोटी बड़ी खुशी जो होती है वो दुगनी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही था हम लोग के साथ भी, क्योंकि उस टाइम पे मामी, मौसी, भैया, बच्चे सब आए हुए थे और उसी में गन्नू का बर्थडे, मम्मी पापा की एनिवर्सरी सब कुछ आई, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया था। तो यहाँ पे देखिए मामी बहुत अच्छे से पापा को हल्दी लगा रही हैं। तो वही बोल रही है कि जीजा जी रुकिए रुकिए, अच्छे से निखार आना चाहिए, मतलब अपना वो लोग होता है ना जीजा साली की मस्ती, तो उस तरीके से बातें भी हो रही थी, मस्तियां भी हो रही थी, हल्दी भी लगाया जा रहा था।
तो अभी तक आप लोग देख रहे थे पिछले साल की वीडियो क्लिप्स, और इस साल तो लॉकडाउन है सबको पता है और सब कुछ घर में ही मैनेज करना है, फिर भी बहुत अच्छे से हम लोग किए और गार्डन से इतने सारे फ्लावर्स मुनमुन तोड़ के लाई और लगी हुई है बुके बनाने में। इससे पहले कभी ये इस तरह का कुछ ट्राई नहीं की थी, तो उसको जो जो समझ में आया वो सब लेके आई। सुई धागा, फेविकॉल, सेलो टेप, न जाने क्या क्या लेके बैठी थी एक बुके बनाने के लिए। तो उसको जैसे भी समझ में आया, तो बहुत प्यार से लगी हुई थी तैयारी में, काफ़ी टाइम उसको लग गया क्योंकि कभी तो की नहीं थी। तो उसको जैसे जैसे समझ में आए, देखिए कितने सारे सेलो टेप्स लगा लगा के तो ये एक बुके तैयार की थी बहुत प्यार से अपने नाना नानी के लिए, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि बहुत प्यार से जो दिल से जो बनाई थी नाना नानी के लिए तो सुंदर तो लगना ही था। तो ये देखिए इसका थोड़ा बहुत तैयार हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है वो तैयार करेगी। और घर में ही हम मार्बल केक बनाए थे जो कि बहुत टेस्टी बना था, उसकी रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये था एनिवर्सरी का बुके मुनमुन के तरफ से, और एक छोटा सा मार्बल केक बनाए थे वो मेरे तरफ से था और कुछ हम लोग ज़्यादा कर नहीं पाए। तो बस अब यहाँ पे केक कटिंग होने वाली है, तो उससे पहले मुनमुन अपने हाथ से जो बुके बनाई थी वो नाना नानी को दी और मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग सुबह से इसकी मेहनत देख रहे थे। एक टोकरी फूल तोड़ के लाई थी ये एक छोटा सा बुके बनाने के लिए, और माला भी बनाने वाली थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा थक गई थी तो माला नहीं बना पाई। और उसके बाद यहाँ पे बस अब केक कटिंग होगा, और दोपहर में ही खाना पीना हम लोग बनाए थे जो भी मतलब स्पेशल बनाना था, तो पनीर लबाबदार, बटर नान और रोज़ खीर, यही सब कुछ बना था। और सिंपल तरीके से हम लोगों का ये छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया हम चारों लोगों के बीच में। और रात में मम्मी पापा या कोई भी, हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी खाना आजकल बिल्कुल नहीं पसंद करते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए दोपहर में ही खाने पीने का हो गया था। अभी इस टाइम बस हम लोग ये केक खाए, बहुत यमी केक था और बहुत जल्द इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये 40वीं सालगिरह मम्मी पापा की हम लोग सेलिब्रेट किए और बहुत अच्छा लगा, मम्मी पापा बहुत खुश थे। तो यही था हमारा छोटा सा एनिवर्सरी ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा।